हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी सुबह का 4 बज रहा है और हम लोग बहू रानी को लेकर आ गए हैं घर। और अब घर में बहू रानी के स्वागत की, गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह 4 बजे बहुत ही जल्दी हम लोग विदाई करवा के बहू रानी को घर लेकर आ गए। हाँ जी, तो रात में जो हमारे प्रोग्राम है शादी वाले, वो सारे बहुत टाइम से हुए। जयमाल भी बहुत टाइम से, जयमाल मतलब वरमाला भी टाइम से हुई और शादी की रस्में भी बहुत टाइम से निपट गई। 2:30 बजे पूरी शादी हमारी होकर कंप्लीट हो गई थी और उसके बीच की जो रस्में होती हैं वो 3 बजे तक सारी रस्में पूरी होकर 3 बजे से विदाई की तैयारी होना शुरू हो गई थी। और लास्ट व्लॉग आपने देखा ही, विदाई के जहाँ से विदाई हुई थी वहीं पर व्लॉग भी लास्ट वाला मैंने स्टॉप कर दिया था। तो उसके आगे ये सुबह 4 बजे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ जी, तो सारी चीज़ें टाइम से हो गई, सारी रस्में टाइम से पूरी हो गई, शादी भी टाइम से पूरी कंप्लीट हुई। तो बस विदाई भी हम लोगों ने फटाफट करवा ली और बहू रानी को घर लेकर आ गए हैं। तो ये हमारे दरवाजे पे दूल्हे राजा की कार खड़ी हुई है और यहाँ पे बहू रानी को जो है कार से उतारने का इंतजाम हो रहा है, जहाँ पे कार के अंदर बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब अंकुश, जो कि गाड़ी चलाकर लेके आए हैं और उन्होंने बहुत ही तगड़ा वाला नेक मांगा है यहाँ पे। हाँ जी, तो दुल्हन उतारने का भी नेक होता है, जो गाड़ी चलाकर लेके आते हैं उन्हीं को नेक मिलता है। तो यहाँ पे गाड़ी में जब दुल्हन बैठी होती है तो दुल्हन की जो नंद होती है वो दुल्हन को शरबत पिलाती है और शरबत पिलाने का दुल्हन को नेक मिलता है। तो शरबत पिलाई की रस्म जो गिल्लो बुआ है वो कर चुकी हैं, उनको नेक भी मिल चुका है। अब यहाँ पे जो है दुल्हन उतर के द्वार पर खड़ी हो गई है। और हाँ जी दोस्तों, तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ कि बाबू चाचा और हमारी चाची जी का जो गृह प्रवेश है, जो परछन है, जो मतलब वेलकम हो रहा है, वो मेरे घर पर ना होकर हमारे चाचा जी के, छोटे चाचा जी के घर पर हो रहा है। हमारी चाची जी करेंगी उनका वेलकम, उनका स्वागत और चाची जी का यानी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश। तो वो इस वजह से हो रहा है, इसके पीछे भी बहुत पुरानी रस्म है, बहुत पुराने मतलब जो यहाँ लोगों की आपसी समझ और अपना जो होता है मतलब अपना विश्वास, इसके पीछे वो रीज़न है। तो बहुत ही पुरानी बात है, मतलब ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बाबू चाचा हैं, हमारे जो इनकी मम्मी हैं, तो इनके जो भी बच्चे होते थे ना तो बचते नहीं थे। तो जो मेरी छोटी दादी थी, उन्होंने बहुत ही पहले बाबू चाचा को छोटी दादी से बाबू चाचा को हमारी दादी ने जो है ख़रीद लिया था। तो बाबू चाचा हमारी, जब दादी ने ख़रीद लिया तो बाबू चाचा हमारी दादी के बेटे हो गए और दादी ने फिर जो है बाबू चाचा की मम्मी को उन्हें पालने के लिए वापस कर दिया था। तो इसके बाद बाबू चाचा पे तो अधिकार मेरी दादी का हुआ। तो कहते हैं कि जब लड़का बड़ा हो जाता है और जब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा होता है, यानी जब दुल्हन लेकर घर आता है, तो उसका सबसे पहला गृह प्रवेश मेरी दादी के घर पर ही होगा, जिसने बाबू चाचा को गोद लिया था। तो इसी वजह से मेरी दादी तो है नहीं, तो मेरी दादी की सबसे बड़ी बहू यानी हमारी चाची जी जो है बाबू चाचा का और चाची जी का वेलकम कर रही हैं, घर में गृह प्रवेश कर रही हैं। और इसीलिए जो है हमारी चाची जी के यानी हमारे छोटे चाचा के घर पे हमारी चाची जी का और बाबू चाचा का जो है गृह प्रवेश हो रहा है और दुल्हन का स्वागत हमारी चाची जी के घर पे हो रहा है। तो जब दुल्हन लेकर हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे भी फिर से वही रस्म होती है, यानी परछन किया जाता है, नज़र उतारी जाती है, मुंह मीठा कराया जाता है। तो यहाँ पे चाची ने हमारी जो है दुल्हन उतारी गाड़ी से और परछन कराए, परछन किया सबसे पहले और नज़र उतार के जो है जल से जो है गिलास में जल ले लेते हैं या कलश में ले लेते हैं और उसको अपने मुँह से 5 बार जूठा कर करके जो है दूल्हा और दुल्हन की नज़र उतारी जाती है। तो बस यहाँ पे ये रस्म मेरी चाची जो है उतार रही है। वैसे तो ये रस्म माँ करती है, तो यहाँ पे हमारी दादी नहीं है तो हमारी चाची जी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये रस्म हो रही है। इसके बाद फिर जो है एक थाल में हल्दी का ऐपन घोला जाता है और उस ऐपन से जो हमारी चाची जी हैं ना, वो घर की जो दरवाजे हैं, दरवाजे के दोनों तरफ अपने दोनों हाथों से, शुभ हाथों से दोनों तरफ
छापे लगाएंगी और उसके बाद फिर घर की दहलीज के चरण स्पर्श करेंगी और दहलीज पे कलश, चावल का कलश रखा जाएगा जिसको वो दाहिने पैर से अंदर करके अंदर को लुढ़काएंगी और फिर अपने जो है शुभ कदमों से हमारे घर में गृह प्रवेश करेंगी। तो फिलहाल यहाँ पे अभी वही रस्म होनी जा रही है, पहले हाथ के जो है थापे लगेंगे और उसके बाद जो कलश कलश भर के जो चावल वाली रस्म होती है पैर से अंदर उड़काने की, उसके बाद वो रस्म होगी। बस दुलाइन तुम थोड़े चावल लेके छिड़क दो, ऐसे करके चारों तरफ मार दो, पहले आगे मारो, आगे मारो, फिर पीछे, पीछे अपने पीछे, अपने पीछे ऐसे मारो, हाँ उधर मारो, आप इधर मारो, हमारी तरफ तो दोस्तों अभी चाची के घर पे जो है हमारी चाची जी का गृह प्रवेश भी बहुत अच्छे से हो गया और मंदिर में जाके देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ले लिया और चाची ने कोछा भी डाल दिया और उसके बाद वापस हम जो है अब चाची को अपनी लेके अपने घर आ गए हैं। अब वही सेम रस्म हमारे घर पे होगी, अब यहाँ पे चाची का जो है पूरा विधिवत बहुत अच्छे से गृह प्रवेश होगा और मेन द्वार पे अभी यहाँ पे हल्दी के चाची के जो हाथों से हैं दरवाजे के दोनों तरफ थापे लग रही हैं और थापे लगने के बाद अब यहाँ पे चाची जो है अपने शुभ पैरों से चावल का जो कलश है वो अंदर की ओर गिराएंगी और फिर जो है अंदर गृह प्रवेश करेंगी। तो यहाँ पे भी जो है बारी बारी करके सेम रस्म यहाँ पे भी जो है दोहराई जाएंगी। तो यहाँ पे हल्दी की थापे लगाने के बाद कहते हैं बेटा और बहू जो है माँ के आंचल में जो है अपना हाथ पहुँचते हैं, तो बस यहाँ पे चाचा और चाची वही कर रहे हैं, मम्मी के पल्लू में अपना हाथ जो है पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे चाची जी जो है दहलीज के चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लेके अब चाची जो है घर में गृह प्रवेश करने जा रही हैं। तो बस यहाँ पे चावल का कलश नीचे रख दिया गया था और चाची अपने दाहिने पैरों से जो है चावल के कलश को गिरा के अंदर गृह प्रवेश कर रही हैं। तो चाची जी आपका हमारे घर में स्वागत है, पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। तो यहाँ पे चाचा और चाची का जो है गृह प्रवेश हो चुका है और हमारे यहाँ ये गृह प्रवेश के बाद मतलब अंदर जहाँ पे सिलपोनी में देवी और देवता रखवाए गए थे ना, तो दूल्हा दुल्हन को सीधे उस कमरे में लेके जाते हैं जहाँ हमारे कुल देवी देवता रखे हैं। वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे भी कुछ रस्में होती हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाया जाता है, थोड़ा पूजा पाठ होती है वहाँ पे भी कुछ रस्में होती हैं वो निभाई जाती हैं। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन उस कमरे से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे अभी चाचा और चाची को देवी देवताओं वाले कमरों में ही ले जाया जा रहा है
और वहाँ पे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद फिर जो है दूल्हा और दुल्हन को एक हमारे घर में पायल खेलने वाला भी एक गेम होता है, इसको रस्म ही कहेंगे। तो दूध की थाल होती है, थाल में या तो सोने की अंगूठी या पैरों की पायल डाली जाती है और दूल्हा और दुल्हन जो है उसको 5 बार जो है ढूंढते हैं और लास्ट में जो ढूंढ लेता है सबसे पहले जीत उसी की होती है। और कहते हैं कि ज़िंदगी भर फिर उसी का घर में आदेश चलता है, उसी की हुकूमत चलती है और सामने वाले बंदे को उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पर अभी जो है देवी देवताओं जो हमारे कुल देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद दिलाया जा रहा है उनके, और उनको जो है जैसे कुछ खिचड़ी वगैरह होती है वो चढ़वाई जाती है, तो वो चढ़वाई जा रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने भी जो है सोने की अंगूठी से चाचा और चाची को दूध की थाल में गेम खिलाया था, जिसमें से जीत तो हमारी चाची जी की ही हुई थी। तो इसका मतलब है चाची जी की ही हुकूमत चलने वाली है। और यहाँ का जब ये रस्में हो जाती है ना, तो उसके बाद जब दूल्हा कमरे से बाहर निकलता है तो यहाँ पे बहन जो है द्वार छिकाई करती है, दरवाज़ा रोकती है, और दरवाज़ा रोकने का भी बहन को मनचाहा नेक मिलता है। और यहाँ पे गिल्लो बुआ ने हमारी दरवाजा रोका था और उनको भी मनचाहा नेक मिला। देख जाओ बाबू का अपने भाई की बाबू देख के चले 5000 5000 पूरे लेंगे हमारे पास 1000 खाली उधार कर ले भाई सब दे दो दे वो दो वो दो ले बस चलो और ये योगा में रख लो का दो सब दो अब उसका हाथ पर दो दो वो जो फोर पे होना लो वो दो अरे डरा एक ऊपर डरा तो दोस्तों यहाँ पे दुल्हन के गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे भाई बहन का नेक को लेके झगड़ा चल रहा है, वो कम दे रहे हैं वो ज़्यादा मांग रही है। तो बस यहाँ पे फिलहाल बहन को मनचाहा नेक मिल गया। चलिए दोस्तों बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।